नमस्ते मित्रों, मेरा नाम कुणाल चंद्राकर, आपका मेरे YouTube चैनल ईश्वर की ओर में स्वागत है। आज हम ऐसा मंत्र जानेंगे जिसके द्वारा आपको सुख, शांति, आनंद और परमात्म प्राप्ति और आत्म साक्षात्कार तक आप पहुंच सकते हैं, जो सबसे लास्ट स्टेज है, परम पद है, वहां तक आप पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, हम ऋषि प्रसाद बुक से जानेंगे। जिन्हें इसी जन्म में परमात्मा का साक्षात्कार करना है, उनके लिए सामवेद की संन्यास उपनिषद में लिखा है, अध्याय 2 में लिखा है, यस्तु द्वादशाहस्त्रम प्रणवम जपन्ते अन्वहम तस्य द्वादश भीमासे परमं ब्रह्म प्रकाशते। जो मनुष्य प्रणव ओम का प्रतिदिन 12,000 जप करता है, उसे 12 माह में ही परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। प्रतिदिन ओमकार का 12,000 बार जप करें, नीच कर्मों का त्याग कर दे तथा ईश्वर प्राप्ति का उद्देश्य बना के ईमानदारी से लग जाए, तो 1 वर्ष के अंदर ईश्वर प्राप्ति तो हताश निराश भी हो जाएगा, सफल सम्मानित। अगर भगवान नाम ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु के द्वारा गुरु मंत्र के रूप में मिलता है और उसे अर्थ सहित जपते हैं, तो वह सारे अनर्थों की निवृत्ति और परम पद की प्राप्ति कराने में सामर्थ होता है। कोई मनुष्य दिशा शून्य हो गए हो, लाचारी की हालत में फेंका गया हो, कुटुंबियों में मुख मोड़ लिया हो, किस्मत रूठ गई हो, साथियों ने सताना शुरू कर दिया हो, पड़ोसी ने पुचकार के बदले दूतकारना शुरू कर दिया हो, चारों तरफ से दिशा शून्य, सहयोग शून्य, धन शून्य, सत्ता शून्य हो गया हो, फिर भी हताश ना होना, वरना सुबह 6 से शाम 3 घंटे तक ओमकार का भगवान नाम का जप करना, मतलब आपको 3 घंटा निकाल के आपको ओम का जप करना है, लगभग 120 माला, तो वर्ष के अंदर वह व्यक्ति भगवत शक्ति के सबके द्वारा सम्मानित, सब दिशाओं में सफल और सब गुणों से संपन्न होने लगेगा। इसलिए मनुष्य को कभी भी अपने को लाचार, दीनहीन और असहाय मानकर कोसना नहीं चाहिए। भगवान तुम्हारे आत्मा बनकर बैठे हैं और भगवान का नाम तुम्हें सहज में प्राप्त हो सकता है, फिर क्यों दुखी होना। रोज रात्रि में तुम 10 मिनट ओमकार का जप करके सो जाओ, फिर देखो इस मंत्र भगवान का क्या क्या चमत्कार होता है और दिनों की अपेक्षा वह रात कैसी जाती है और सुबह कैसी जाती है, पहले ही दिन फर्क पड़ने लगेगा। तो आप अवश्य जप करें, और जिस दिन जैसे त्यौहार है, आपको छुट्टी का दिन है, तो त्यौहार के दिन मंत्र 10 लाख गुना या 1 लाख गुना ऐसा बढ़ता है, और विशेष 4 जो महाशिवरात्रि है और कृष्ण जन्माष्टमी है और होलिका दहन है, मतलब ये मेन जो दिन है, नरक चतुर्दशी है, इस दिन जप करने से अनंत गुना होता है। तो आप उस दिन और ज़्यादा जप कीजिए तो आपको अलग ही आनंद की प्राप्ति होगी और आप अपने क्षेत्र में ऊंचा उठेंगे, अध्यात्म की क्षेत्र में परम पद तक पहुंच सकते हैं। जय श्री राम।